अफ्रीकी महाद्वीप में कई देशों में सेना ने चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका है और खुद सत्ता पर काबिज हो गई है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की खुन्नस निकालने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को अफ्रीका से खदेड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। अफ्रीकी देश माली, बुर्कानी फासो और नाइजर देशों में वैगनर आर्मी पर्दे के पीछे सेना की मदद करने में लगी हुई है। और इसका सबसे बड़ा हालिया उदाहरण है पुतिन का माली और नाइजर की सेना के नेताओं से सीधी फोन पर बात करना। और इसको लेकर अब माली की सेना का बयान भी आया है जिसमें उसने कहा है कि हमने द्विपक्षीय मुद्दे विशेषकर सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों पर चर्चा की है। हम आतंकवाद के खिलाफ आगे की लड़ाई में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि हालिया दिनों में माली की सेना रूस के काफी करीब गई है। माली, नाइजर और बुर्कानी फासो ने फ्रांस और अमेरिका की सेनाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहां तक कि इन देशों में स्थानीय लोग अमेरिकी और फ्रांस के दूतावास के बाहर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इन सभी तख्तापलट के पीछे रूस की अफ्रीकी नीति है जिसके तहत पुतिन फ्रांस अमेरिका जैसे देशों की सेनाओं को अफ्रीका छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और यही वजह है कि नाइजर, माली, बुर्कानी फासो और कांगो जैसे देश पुतिन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हाल ही में नाइजर ने अमेरिका से कह दिया कि वो अपनी सेना को उसकी जमीन से निकाल ले। दरअसल दोनों देशों के बीच में साल 2012 में एक संधि हुई थी जिसके तहत अमेरिकी सेना नाइजर में मौजूद है, लेकिन अब नाइजर की नई सैन्य सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। और इसको लेकर नाइजर के गृह मंत्री जनरल मोहम्मद टोम्बा ने अमेरिकी राजदूत कैथलीन फिट्जगिबन से हाल ही में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद नाइजर के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसमें मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिकी राजदूत कैथलीन फिट्जगिबन ने उनसे कहा कि नाइजर के फैसले को ध्यान में रखते हुए वो सैनिकों की वापसी की खातिर एक नया प्रस्ताव ला रहे हैं जिसके तहत नाइजर में तैनात 1000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। हालांकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि अमेरिका नाइजर की बदली हुई अथॉरिटी के लगातार संपर्क में है। हमने उनसे सैनिकों की वापसी को लेकर सफाई मांगी है।